अगर कोई भी स्टार्ट करता है तो उसको ये नहीं होता कि हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। सभी के अगले ही दिन से यूँ लगा लो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, हमने स्टार्ट कर दिया था, बस हमें आता है सब कुछ। तो मेरे अंदर ये था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप पूरा एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली से मत करो, कुछ एफर्ट्स अपने डालो। हाँ बिल्कुल, हमारी जो शहर की पिज्जी है वो सारी पिज्जी भर चुकी है हमारी, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर हम किसी भी काम को पकड़ लेते हैं उसको छोड़ो मत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वी फाइंड निश, जिसमें हर बार हम आपको ऐसे क्रिएटर्स से मिलवाते हैं जिनसे जानने के बाद, सीखने के बाद समझ आता है कि हाँ यार हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए। तो आज हमारे साथ है टैलेंटेड ऋतु इंसान मैम, जिनके यूट्यूब चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी मिलियन फॉलोअर्स हैं और हजार से ज्यादा अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हैं। मतलब इतनी मेहनत मैम करती हैं, जब आप इनके चैनल पे ऑलरेडी, आप जितनी वुमेन है मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बोल रहे जी आपसे पहले हम जानते हैं। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम दिया हमारे। थैंक यू सर, आपने भी हमें बुलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहती थी काफी दिनों से आपसे मिलना बट इतना हो नहीं पा रहा था, तो आपसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी हुई। जी जी सर, ग्रेट मैम। सो आज मैं थोड़ा ना जानना चाहूंगा आपसे, लाइक आपके बारे में जी सर, कि अभी तो हम आपके सक्सेस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, धमाकेदार आपकी रील्स आती हैं और जो यूट्यूब पे आप वीडियोस बना रही हैं, बट इसके पीछे ना एक बहुत जर्नी आपने तय करी। बिल्कुल सर, अगर कोई भी किसी का भी देखोगे जर्नी तो सबकी होती है, हमारे भी कुछ है ऐसे ही। स्टार्टिंग बिल्कुल जैसे कि एक जीरो लेवल से स्टार्ट करना, पहले ऐसा कुछ सबके, अगर कोई भी स्टार्ट करता है तो उसको ये नहीं होता कि हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बट जैसे कि किसी की वीडियो देखते थे स्टार्टिंग में तो हम यूँ सोचते थे काश कि हम भी कर पाए और इतना फेमस हो जाए। जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी बंदे बहुत ही फेमस हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो हमारा भी एक सपना था कि हम भी बहुत ही फेमस हो, हमारा नाम बनाए, कि हमें बहुत ही दुनिया जाने। तो फिर वो उस टाइम पे ये नहीं समझ आ रहा था कि हम किस तरीके से अपना नाम बनाए, कैसे जाने। तो फिर हम स्टार्टिंग से जैसे कि स्टिचिंग करते थे और भी छोटे छोटे बहुत से काम करते थे, जितना तो स्टिचिंग वाला काम करते थे वो आप लाइक घर से ही करते थे या कुछ आपने शॉप वगैरह ली हुई थी? नहीं सर, घर से ही करते थे। बिल्कुल, जैसे कि हमने ये स्टार्ट कब से कर दिया था, हम मैरिड हैं, जैसे ही शादी हुई थी शादी के अगले ही दिन से यूँ लगा लो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, हमने स्टार्ट कर दिया था। जी सर, ग्रेट। ये कब की बात है, ये ईयर मतलब आज से कितने साल पहले की बात है? 2006 में हमारी शादी हुई थी जी, और वो यूँ लगा लो बस दो चार दिन के बाद ही घर वालों ने यूँ लगा लो, उन्होंने देखा कि इनकी इच्छा है बहुत ही स्टिचिंग में जाने की। अच्छा। तो उन्होंने हमें कोई, जैसे कि होता नहीं कि हमने सूट सिलवाने, आपकी नई नई बहू आई है, आपके बारे में सुना है कि होता था। हाँ, कि सुना है कि अच्छे सूट स्टिच करती है, तो हमारा सिलवा दो, बस वहां से स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी। बस उसके बाद फिर हम रुके ही नहीं, फिर से लगे ही हुए कि मतलब ये बात है 17 साल पहले की जब आपने शुरुआत करी। और मैं आपसे एक बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे समझ आ गया, अभी मैं आपका चैनल देख रहा था, 3 साल पुराना चैनल है आपका यूट्यूब। जी सर, 3 साढ़े 3 साल, 2019 से स्टार्ट किया। राइट, तो 3 साल के करीब, 3 साढ़े 3 साल हो गए चैनल पे। और मतलब वो जो आपकी एक स्किल थी जिसे आपने 10 साल तक प्रैक्टिस करी बैक एंड पे, दुनिया के सामने नहीं आ रही थी। जी सर बिल्कुल, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने जब चैनल स्टार्ट किया था तो आपने स्टार्टिंग की अगर वीडियोस देखी हैं तो हम अपना फेस भी नहीं दिखाते थे। राइट, क्योंकि एक होता है ना गांव में कि भाई वीडियो बना रहे हैं, हम बहुत ही वीडियोस बनाते थे तो उसमें फेस नहीं दिखाते थे, ओनली हाथ ही दिखाते थे, एक वॉच रखते थे हाथ पे, एक काला धागा तो उसमें है ना, फिर क्या रहता था कि बस उसी की पहचान बन गई थी कि हाँ ये वही मैडम है, वो सिखा रही है। बस आज भी मैं देख रहा हूँ मैम आप ये वॉच, ये दो ही चीज़, आपका ब्रांड बन चुका है, मतलब सिग्नेचर मार्क। अच्छा, बाकी सिग्नेचर स्टेप तो हमारा ये बना हुआ, अगर आपने नोट किया हो तो। तो फिर उसमें जैसे कि हम स्टार्टिंग से जब भी करते, स्टार्टिंग में ऐसा क्या था कि पहले हमारे पास खुद का फोन भी नहीं था, अगर आपको सच बताई तो। अच्छा, तो पहले हम, वो नहीं होता कि हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, किसी और के ही फोन से देख देख के डिजाइने बनाते थे। फिर उसके बाद हम जब किसी और का देखते तो हमें ये लगता था काश के हमारे पास भी फोन हो और फिर हम भी वीडियोस बनाए काफी सारी। तो इस तरीके से हमें, जैसे कि एक बार भाई ने गिफ्ट कर दिया फोन राखी पे, उसके बाद फिर जैसे ही गिफ्ट हुआ, जैसे कि आज सुबह हम आए हैं गिफ्ट मिलने के बाद, और शाम को ही हमने स्टार्ट कर दिया था वीडियोज बनाना, क्योंकि हमारी एक इच्छा थी कि जितने और पब्लिक वीडियो डालती है तो हम भी डालें। बस वहां से स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी। मतलब मैं भी हैरान हूँ कि आप सोचिए कि एक मिलियंस ऑफ चैनल जब शुरुआत इन्होंने करी तो इनके पास फोन अपना नहीं था। हाँ बिल्कुल, तो आप सबके पास तो एटलीस्ट एक फोन तो जरूर होगा, तो आप स्टार्टिंग लेवल पे तो जो क्रिएटर सोच रहे हैं
जी, आप जैसा बनने का शुरू करने का बिल्कुल छोटे से ही फोन से स्टार्ट किया था हमने, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब भी जैसे कि हम देखते हैं हमारे जैसी काफी सिस्टर हैं, वो सोचती हैं कि काश के हम भी आपके जैसा बन पाए। बिल्कुल बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, जब हम कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि हम काफी मतलब हमारा चैनल भी ग्रो जा रहा है, बहुत ही अच्छा खासा सब कुछ से सारा सिस्टम सेटअप है, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो जो घर पे बैठी हुई है मेरी सिस्टर्स। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें भी नहीं लगता था ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो एक बार स्टार्ट कीजिए, अपने आप ही होता चला जाता है। तो अभी टेलरिंग एक होता है कि लोग आ रहे हैं स्टिचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका ना वर्टिकल बहुत सारे हैं आपका। हाँ। लाइक आपकी जब वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे डिजिटल बोर्ड रहता है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हाँ, है ना, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेती हैं, आपका एक बुटीक भी है, फिर सलून भी है, तो इन सबको आपने लाइक यू मैनेज, लाइक आप कितनी लोगों की टीम अब आपके पास है और हाउ यू मैनेज? ओके सर, अभी हमारे पास ज्यादा नहीं, मतलब 25-30 बंदे ही हैं। स्टार्टिंग मैंने अकेले से की थी, लेकिन अब 25-30 बंदे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बहुत बड़ी टीम होएगी हमारी। और बहुत ही अच्छा रिवेन्यू आ रहा कि किस तरीके से कोई सैलून का भी संभाल रहा काम, कोई पैसे। वैसे हम जैसे कि एक चीज़ ये रखना चाहेंगे कि हमने जब स्टार्टिंग की थी, एक वो होता नहीं किसी भी लड़की के अंदर कि हम क्या करें, जैसे कि एक आपसे ही लेकर चलते हैं, एक हम कई बार कोई भी वीडियोज़ देखते थे पहले, हमें ना जब स्टार्टिंग में बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो देखते थे, एक जब जैसे डाउन हो जाता है कोई भी बंदा तो उसको यूं लगता है कि मोटिवेशनल वीडियो देखी जाए, तो मैं बहुत देखती थी। तो उसमें ना ये बोलते थे कि अपना कोई गोल सेट करो, तो मैं ये नहीं सोच पाती थी कि मैं गोल सेट क्या करूं। क्योंकि आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि मैंने स्टार्टिंग से ही जब मैं पढ़ती थी उस टाइम माइंड बना लिया था कि मैंने बहुत ही फेमस होना है। हाँ, और जिसमें कुछ था ये नहीं कि कैसे होना है, वो माइंड में कुछ भी नहीं था, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया था बिल्कुल कि बहुत ही एक नाम होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से फिर मैंने रखा कि किस तरीके से क्या कुछ किया जाए। मेरे दिमाग में क्या है कि जितना भी एक महिला को काम आना चाहिए वो मुझे सब आना चाहिए, जितना भी एक लेडीज को काम आना चाहिए वो सारा आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिलाई से ही स्टार्ट किया था। सिलाई से जो पैसा आता उससे क्या क्या सीख सकते थे हम, सारा पैसा उस पर लगाया और सारा सब कुछ मतलब खुद ही सीखने की कोशिश की। तो उसमें खाना हो गया, सिलाई हो गई, कढ़ाई बुनाई, सैलून का जितना भी हैंडवर्क का काम होता है, आर्ट्स का सारा मैंने सीख लिया। तो फिर जब मैं ये वीडियोस देखती कि एक गोल सेट होना चाहिए, खुद को परफेक्ट किया मैंने कि सभी चीजों में परफेक्ट हूँ, लेकिन वो समझ ये नहीं आता था मुझे कि गोल क्या होना क्या चाहिए। कि गोल, क्योंकि ना ही मैं सिलाई को छोड़ पा रही थी, ना ही मैं सैलून वाले वर्क को छोड़ पा रही थी। क्योंकि जब ये होता ना कि पैसे किस चीज से ज्यादा आ रहे हैं, तो मेरे माइंड में ये था कि सैलून वाले वर्क से ज्यादा पैसे आते हैं, लेकिन सैलून के वर्क को करना और फिर उसमें तो वो समझ सा ही नहीं आ रहा था कि एक तरीके से सैलून के काम को रखें या फिर सिलाई को। फिर एक मेरा भाई जो आजकल बहुत ही सपोर्टिव है, वो पहले भी सपोर्ट करते थे, पहले छोटा था तो अब बड़ा है, अब ज्यादा साथ दे रहा है। तो उस चक्कर में फिर उन्होंने बिल्कुल एकदम साइड कर दिया कि आप सिलाई में ज्यादा ही क्लाइंट है आपके, तो सिलाई को साइड रख लो। फिर हमने और सारी चीजों को छोड़ के, वैसे सैलून है हमारा लेकिन अब हम ओनली सिलाई पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे सिलाई वाले काम में जो आप कह रहे हैं इसमें, तो अभी आप लोगों को सिखाते भी हैं? जी सर। ये कैसा मोड, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कैसा मोड है आपका पूरा? ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों ही है। ओके, दोनों मोड है आपके पास, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में आपकी खुद की अपनी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है। हाउ यू मैनेज, कैसे उस ऐप में कैसे करते हैं आप सारा? हां सर, क्लास प्लस वालों के साथ जुड़े हुए, उन्हीं से हमने ली हुई है, बाकी वो ही करते हैं ज्यादातर मैनेज। हम बैक हैंड पूरा वो देख रहे हैं। बिल्कुल है आपकी एप्लीकेशन, बिल्कुल नाम हमारा है। और बैक हैंड मतलब जो कोर्स कैसे सारी चीजें चलनी है, बच्चे किस तरीके से देख रहे हैं, लाइव क्लास कैसे जानी है, सब सर एक आध टीम में है, लेकिन उनकी तरफ से काफी सपोर्ट मिल रहा है, हमें बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। हम एक किस्म से होता ना कि फ्री माइंड। अच्छा। बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि सब कुछ वही संभाले, सिरदर्दी उनकी रहे हमारी नहीं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ क्रिएटर ये भी अच्छी चीज है कि जो हमारी स्किल्स है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी टैग प्रोडक्ट जिसका जो एक्सपर्ट है वो देखे। जी सर, राइट। सो अभी कभी ऐसा हुआ कि जब आपने ये लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है, जब आपने शुरुआत करी तो कोई हेट रेट्स आपको मिलना शुरू हुआ ऐसा? सर ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि एक वो होता ना खुद में कॉन्फिडेंस कि हम सबसे ऊपर हैं, बस हमें आता सब कुछ, तो मेरे अंदर ये था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। शाहरुख खान का एक डायलॉग है जो मैं रिपीट करना चाहूंगा, शाहरुख खान जब सुबह उठता है तो कहता है भैया आई एम द बेस्ट,
है वो वेस्ट नहीं, वो ईगोनेस नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो लिख के रखता है बस, वो एनर्जी रहती है सारा दिन कि हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं, फिर वो लगा नहीं कोई टक्कर वाला तो हम बस ऐसे ही चलता है। बहुत बढ़िया। सो लाइक ठीक है, ये जर्नी चल रही है आपकी, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैम आप इतने खुश हैं क्योंकि आपके ब्रदर ऐसे मिले, हस्बैंड ऐसे मिले, आप शादी होके आई नहीं कि आपकी सास ने पूछ लिया कि बताओ तुम्हारा स्किल क्या है, वो वाले काम ढूंढ के ला देते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, तो क्या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ सारा ही दूसरों पे नहीं छोड़ सकते हम, कि फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें, आप भी तो कर सकते हो उनको आगे से कि हम इस तरीके से हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, प्यार से रहो, कि ये जैसे कि होता है ना फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा हमें भी समझना होता है कि हमारे फैमिली वाले हमें कैसे समझेंगे, तो उनको थोड़ा उस तरीके से मनाओ। और बिल्कुल कोई भी नहीं ऐसा बंदा होता घर में फैमिली में कि वो मानेगा नहीं, अगर आपका काम उस वे में जा रहा है कि आपको उनको भी लग रहा है कि हाँ ये अच्छा काम है और अच्छी तरफ जा रहा है, अगर वो काम सही है तो मुझे नहीं लगता फैमिली वाला मना करेगा। बिल्कुल सही बात है कि आप पूरा एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली से ही मत करो, कुछ एफर्ट्स अपने डालो, हाँ बिल्कुल, जिससे उनको भी दिखे, बिल्कुल और वो चीज़। जैसे कि स्टार्टिंग में ना कोई भी सपोर्टेड नहीं होता सर, सच बताएं तो कोई भी सपोर्टेड नहीं होता, हमें अपना पूरा जोर लगाना होता है स्टार्टिंग में, हमें भी जैसे कि वो हमने तो रखा कि हमने तो काम करना है, लेकिन फैमिली वालों की तरफ से ये नहीं था कि ये काम करेगी कर भी पाएगी या कुछ वैसा नहीं, लेकिन हमने छोड़ा ही नहीं, हमने तो बस करना है तो करना है ये जी ध्यान रखी थी, चाहे वो बिल्कुल कम है। एक जैसे कि हमें बोलेंगे सभी को जो भी बुटीक करना चाह रहे हैं या सिलाई में कुछ भी जाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम कर तो लेते हैं लेकिन शायद हमारा बुटीक ना चले, सबको ये डर रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार आप स्टार्टिंग कीजिए, जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे तो अपने आप ही क्लाइंट ही उनको समझाते रहते हैं कि किस तरीके से आप ग्रो करोगे। बस मतलब एक चीज तो समझ आ गई कि आपको इस ये एक स्किल है जो पहले सीखनी पड़ेगी, राइट? तो कितना एक एवरेज, जैसे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, okay. कितना टाइम लगता है एक सीखने में? सर हमने 3 महीने का सिलेबस रखा हुआ उनके लिए कि 3 महीने का सिलेबस बना रखा, उस 3 महीने में हम इतना कुछ सिखा देते हैं कि वो आपका खुद का बुटीक ओपन कर सकते हैं जी, और उसमें हम इतना कुछ उनको सिखा देते हैं वो कभी भी पजल नहीं होंगे। हम क्या सिखाते हैं उनको कि जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट चल के आता है, नॉर्मल बंदे हैं हम जैसे हैं तो हम सूट स्टिच करते हुए नहीं डरते, लेकिन कोई हेल्दी सा पर्सन आ जाता है तो हम सोचते हैं अरे कैसे फिटिंग जचेगी इसकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम वही डाउट्स जो भी जितने भी डर हैं वो निकालते हैं उनके, कि जैसे कि एक कोई भी हुआ कुर्ती स्टिच तो कर लेता है लेकिन जहाँ पे शोल्डर आर्म होल की प्रॉब्लम आती है वहाँ आके अटक जाता है, तो ये छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं ये सारे के सॉल्व हम कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासों में भी ऑफलाइन में भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब वो तो दिखता है आपकी वीडियोस में कि आपके पास बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब बॉयज तो पहुंच जाते हैं, गर्ल्स आपके पास पहुंची हुई हैं। हां जी सर। इसी पे एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि एक बार हमने किसी से ऐसे ही जब ये देखा गया कि हमारे पास काफी दूर दूर से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो किसी ने हमसे बोला, हमें भी उस चीज की बहुत ही खुशी हुई कि एक चीज देखी गई थी, पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट्स आते हैं काफी दूर दूर से, लेकिन एक सिलाई सीखने के लिए स्टूडेंट्स पीजी में रह रहे हैं। आपने वो कर दिखाया कि बहुत ही जो बड़ा था कि पिज्जी में आके बहुत ही, हमारी जो शहर की पिज्जी है वो सारी पिज्जी भर चुकी है हमारी, इतने स्टूडेंट्स आ गए कि तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि सिलाई के लिए पब्लिक जाती है लेकिन मतलब पढ़ने के लिए जाती है लेकिन सिलाई के लिए भी पिज्जी में आके रहना 3-3 महीनों के लिए लड़कियों को, तो बहुत बड़ी बात है, हमें भी बहुत। आपने एक ब्रांड बिल्ड किया, टैलेंटेड ऋतु इंसान जो एक है वो एक ब्रांड है, और ब्रांड जब आप बिल्ड कर देते हैं तो लोग खींचे हुए आते हैं, और वो चीज लेगेसी आपके स्किल ने बरकरार रखा है, जब आप लोगों को इतना अच्छा सिखा रहे हैं तभी तो लोग दूर से आ रहे हैं। और ये भी एक अच्छी चीज मुझे अभी अभी समझ आ रही है कि आपने ना ही सिर्फ टेलरिंग के थ्रू उन बच्चों का भला किया, आपके भी बेनिफिट्स हुए, बट साथ में आपके जो एरिया के जो पीजी वाले थे, आई थिंक वो भी बड़े खुश होंगे आपको, गिफ्ट्स तो बहुत मिलते होंगे उनकी तरफ से। हां सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लेते नहीं, लेकिन वो नहीं जो जो सूट सेल करते थे उनका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। जब भी किसी शॉप पे जाते हैं बस वो यही बोलते हैं, अच्छा टैलेंटेड है तो इन सके वहां सीख रहे हो, ओके, तो उस चक्कर में सबका ही, मतलब जो हमारा शहर है ना उसका तो सबका ही फायदा हो रहा है कुछ कुछ। तो जब डिजिटल आप मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में था मुझे फेमस होना, एक बात तो आ गई दिमाग में, ठान लो बस जी वो चीज करनी है, हाँ, कि जो हम सोचते हैं ना ये बात पक्का है, जो हम सोच लेते हैं वो बिल्कुल होती है सर, इस बात में कोई दो राय नहीं। कि जो हम ये सोच लेते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना है, अगर वो चीज हमने सोच ली और सच्चे उससे समझ ली ना तो वो बिल्कुल होके ही रहती है। पहले हम इस बात को मजाक समझते थे, जैसे ही किसी की मोटिवेशनल वीडियो सुनते ना वो ये बोलते थे कि जो चीज हम सोचते हैं वो होती है, हम नहीं मानते थे इस चीज को, लेकिन अब हम भी मानने लगे कि वो बात बिल्कुल होती है, जो हम सोचते हैं वो होता है। कब कोई ऐसा लाइक 3 सालों से आप वीडियोस बना रही, इतनी वीडियोस बना दी आपने, एक फैन मूवमेंट, क्रेजी फैन मूवमेंट की कभी आप जा रहे हो या कोई आ गया
घर पे ऐसा कुछ बहुत ही सर बहुत ही जैसे कि वैसे तो हम ज्यादातर ऑफिस में ही रहते हैं ज्यादा बाहर नहीं निकलते बाय चांस कभी निकलना भी पड़ जाए तो वो अलग से ही मैम सेल्फी सेल्फी वो वाला प्राउड बस अलग ही होता है कि मतलब रोक के जा रहे हैं कि एक बार बस एक सेल्फी दे दीजिए मतलब अलग ही माहौल होता है वो तो बस उसकी तो कुछ फिर वो दिन याद आ जाते हैं कि काश के हमारा ये सपना था आज जो धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है मतलब ये अच्छी चीज़ है कि मतलब आप आज के रेट में इंस्पिरेशंस हैं उन सभी लाइक नॉट इवन वुमेन बहुत सारे बॉयज इस काम में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं टेलर जी, जी तो बहुत से रेशियो क्या रहता है लाइक गर्ल्स ही आती हैं या बॉयज भी सीखते हैं सर ज्यादातर गर्ल्स ही आती हैं क्योंकि हम सिखाते ही गर्ल्स को है लेकिन लड़के पूछते हैं कि क्या हम भी सीख सकते हैं बहुत ही इच्छा रखते हैं वहाँ पे सीखने की लेकिन हम ओनली ऑनलाइन सिखाते हैं लड़कों को ओनली ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए ओनली लड़कियां हैं ओके वेरी नाइस ग्रेट मैम सो एट द एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक आप अपने जो पूरा कंटेंट क्रिएशन का आपका जर्नी है टेलरिंग में इसको अगर आप एक वर्ड में आप डिस्क्राइब करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे सर क्या कहेंगे इस चीज के लिए बस भगवान की इच्छा हुई और हम इतने सारे फेमस हो गए बहुत ही मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल इतने से की थी आज हमें लग रहा है कि हम काफी ऊपर तक जा चुके वो भी सिलाई सिर्फ धागे से एक चीज ये कहना चाहेंगे जैसे कि वो सोचते हैं ना कि सिलाई से क्या हो सकता है ओनली बस चाय पानी का ही खर्चा चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है सिलाई से हम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं एक सिलाई इतनी छोटी चीज नहीं है दूसरा एक ये चीज कहना चाहेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता चाहे वो कूड़ा उठाना ही क्यों ना हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर हम किसी भी काम को पकड़ लेते हैं उसको छोड़ दो मत और वो एक दिन आपको बहुत ही बड़ा बना के देगा तो सिलाई भी हमें बहुत सारा कमा के दे रही है तो सिलाई कोई छोटी चीज नहीं है इसी से लाखों लोग हैं जो कि बस ओनली चाय पानी का ही खर्चा निकाल रहे हैं इसी से लाखों मेरे स्टूडेंट हैं जो कि लाखों रुपए भी कमा रहे हैं ग्रेट मतलब वो चीज बिल्कुल फिट होती है आपके ऊपर की तीन चीजें किसी भी प्रोफेशन में चाहिए होती है पहला है कि रिस्पेक्ट जो आई थिंक भर भर के आपको मिलता होगा हर कोई दे रहा है दूसरा मनी मुझे नहीं लगता कि कमी होगी अब और तीसरा कि वो पैशन वो मजा आना कि हर दिन आप सुबह उठ के आओ अपने ऑफिस में और सिखाओ ये तीनों चीजें एज अ क्रिएटर आपके पास हैं तभी वो चीज ग्रो कर मतलब एक वो लगता है कि हाँ अब कुछ ही रहा नहीं बस वो एक वो होता है ना कि हाँ फिर भी पूरा तो नहीं होते सपने कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं कि कुछ और आगे बढ़े लेकिन एक वो फील आता है कि हाँ क्या बात है बहुत ही मजा वाली लाइफ है एक वो होती है लाइफ कितनी हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए वो हम फील कर रहे हैं फिलहाल बहुत ही अच्छे वाली लाइफ जा रही है मतलब मैं आपको बताऊँ मेरा जस्ट एक्सपीरियंस की बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जैसे हर अलग जोन में प्रोफेशन बट जब आप कॉन्टेंट क्रिएटर बनते हैं यूट्यूब पे आते हैं वीडियोज बनाते हैं तो मैं हर प्रोफेशन को देखता हूँ परेशान रहते हैं डॉक्टर है बोलता है यार दिन भर वही काम कर रहा हूँ ना मरीज आ रहे हैं परेशान लॉयर परेशान है कि घर उसके बूढ़ा पाट करके आता हूँ एक आता कहता मेरा डिवोर्स करवा दे यार तो लेकिन मैंने यूट्यूबर को कभी परेशान होते हुए नहीं देखा हर कोई कहता है ऊपर वाले का कर्म है यार बस गलती से प्रोफेशन में आ गए सो बहुत अच्छा लगा सीरियसली आपसे बहुत लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है थैंक यू सो मच कि आपने हमारे चैनल पे व्यूअर्स को इतना कुछ बताया थैंक यू सो मच थैंक यू सर